महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में मतपत्रों के इस्तेमाल को चुनाव आयोग प्रमुख सुनील अरोड़ा ने साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मतपत्र इतिहास का हिस्सा बन गया है। साथ ही उन्होंने ईवीएम का बचाव करते हुए कहा कि इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा था। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा में फिलहाल बदलाव नहीं हो सकता। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों द्वारा प्रति उम्मीदवार चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 28 लाख रुपए से बढ़ाने की मांग के मद्देनजर उनकी हट्टी पड़ी आई। अरोड़ा ने कहा, पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहती है। हमने उन्हें विनम्रता और दृढ़ता से कहा कि मतपत्र अब इतिहास हो गए हैं और मैं आपसे कह सकता हूं कि हम सभी कह सकते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आपको बता दें कि कांग्रेस और रंकपा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताया है। उन्होंने आगे कहा कि यह किसी अन्य मशीन आपकी घड़ी या गाड़ी की तरह खराब हो सकती है, लेकिन इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यह अन्य मशीनों से हटकर है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम से जुड़े मुद्दे पर अपने फैसलों में एक सप्ताह से इस बात का बरकरार रखा है। मतपत्रों के इस्तेमाल के अलावा विपक्षी पार्टियों ने त्योहार को लेकर चुनाव की विशेष तारीखों की मांग की, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे भी इनकार कर दिया है। हालांकि आयुक्त का कहना है कि इन मामलों में तारीखों पर फैसला करने से पहले आयोग विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कि छुट्टियां और स्कूल, बच्चों की परीक्षाएं, विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण त्योहार आदि। देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों द्वारा बार बार ईवीएम का विरोध करने पर भी चुनाव आयुक्त द्वारा उनके सवालों पर ध्यान नहीं देना सही नहीं है। हर बार चुनाव आयोग कोई न कोई बहाना बनाकर ईवीएम का बचाव करता दिखता है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर मशीन में गड़बड़ी भी पाई गई थी। इसके बाद भी आयुक्त सुनील अरोड़ा द्वारा हर बार विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम को लेकर किए गए विरोध को अनदेखा कर दिया गया, जो कि उचित नहीं है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।